बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए जा रहे नो डील्स रसीद में धांधली का आरोप। बुलंदशहर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए जा रहे नो डील्स रसीद में धांधली का आरोप। जिला पंचायत परिसर में 200 रुपए की नो डील्स की रसीद में 50 से 100 रुपए अतिरिक्त लेने का आरोप। जिला पंचायत में नो डील्स की रसीद कटवाने वाले लोगों ने लगाए 250 से 300 रुपए लेकर 200 रुपए की पर्ची देने के आरोप। साथ ही नहीं सरकारी कैंपस होने व डीएम कार्यालय के नजदीक होने के बावजूद नहीं किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नो डील्स रसीद कटवाने हेतु लाइन में एक दूसरे से सटकर खड़े लोग जमकर उड़ाई जा रही कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां। साहब कहाँ से आए जी? कितने पैसे लिए पर्ची के? हमसे तो अब ने कटवाए, हमने तो 200 दिए हैं, यानी सबसे 250 ले रहे थे। सबसे 250 ले रहे थे? फालतू पैसे किस बात के लिए? ये सबसे 250 मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 250 रुपए में कट रही थी, वहाँ भी 250 रुपए में काट रहे हैं, यहाँ पे भी। यहाँ पे रसीद कितने की ले रहे हैं? 200 रुपए की। ठीक, मैं जो 200 रुपए की पर्ची है नोट यूज वाली जिला पंचायत वाली, उसे 250 रुपए मांग रहे हैं उसके, और बोल रहे हैं कि 50 रुपए जो ओवर है ये हमारे चाय पानी के, ना दोगे तो हम ना काट रहे बिल्कुल भी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम फतेह खान है, गांव सन्नोट है,